हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रदर मशीन्स पर। इस वीडियो में आज आपको सुइयों के बीच डिफरेंस दिखाऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कटी हुई सुई को कैसे निकाले, आज मैं दिखाऊंगा कटी हुई सुइयां और सही जो सुइयां हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो आइए चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। ये जो मेरी सुई है उस मशीन की है जिस मशीन पर मैंने 90 किलो माल बनाया है। तो इसकी कंडीशन देखिए क्या हो, ये बीच में से अच्छी तरीके से कट चुकी है, अब ये दोबारा मशीन में नहीं चल सकती। और ये मेरी दूसरी मशीन की सुई है जिसमें मैंने 60 किलो माल बनाई, ये भी कट चुकी है। अब देखिए सुइयों को कैसे पता करें यहाँ कि ये कटी हुई सुई है। हम अपनी सही सुई को ले लेंगे और उसके जो मिडल एरिया बीच वाला हिस्सा है उसके ऊपर रख कर सुई को आगे पीछे करेंगे। अगर जैसे ये सुई हमारे सुई के साथ चल रही है तो ये सुई ख़राब है, क्योंकि हमारा जो कट था कटी हुई सुई का उसके अंदर हमारी सुई अच्छे तरीके से कनेक्ट हो गई, तो ये सुई ख़राब है। अब इसके हम सही सुई पे देखते हैं करके, ये देखिए इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है, बीच में से कोई कट नहीं है उसके ऊपर। दूसरी तरफ से भी देखते हैं कि सुई हमारी कैसी है, ये सुई हमारी सही है क्योंकि इसके बीच में कट है ही नहीं। अब मैं आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू सुई दिखाऊंगा। ये हमारा डिब्बा है मेफर नीडल प्राइवेट लिमिटेड। अब हम इसे खोलते हैं, इसके अंदर दो पैकेट हैं जिसमें कि 50-50 सुइयां हैं। इसे हम खोल लेंगे और अपनी दोनों पैकिंगों को निकाल लेंगे। ये देखिए हम निकाल लेते हैं अपने सुइयों को, ये रही। अब हम इसमें से एक सुई निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेरी पिछली सुइयाँ थी कटी हुई और नई सुइयों में क्या डिफरेंस है। ये बिल्कुल नई सुई है, इसमें कहीं कोई कट नहीं। जो हमारी ब्रदर निटिंग मशीन है उसमें ऐसी 200 सुइयाँ डलती हैं जो कि 90 किलो माल बनाने के बाद ख़राब हो जाती हैं। अगर हम 90 किलो माल बनाने के बाद सारी सुइयाँ चेंज कर लेते हैं तो हमारी मशीन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और जो हम कटी हुई सुइयों को ही चलाने की कोशिश करते हैं तो मशीन के बहुत से पार्ट हमारे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप 90 किलो या 100 किलो माल बनाने के बाद सारी सुइयों को एक साथ ही चेंज कर दें, जिससे कि हमारी मशीन पर खर्चा कम होएगा और मशीन हमारी अच्छी चलेगी। इसलिए 90-100 किलो के बाद सारी सुइयाँ चेंज कर देनी चाहिए। ये मेरी सारी सुइयाँ, एक बार आप भी इन्हें सही तरीके से देख लिया आपको सही डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कौन सी सुई ज़्यादा कटी हुई है कौन सी नहीं कटी हुई है। तो चलिए देखते हैं, आपको मैं दूसरे एंगल से दिखाता हूँ ये, जिससे कि आपको एक कट साफ चमक जाए कि कैसे कट होते हैं जो कटी हुई सुइयों में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल ब्रदर मशीन्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।